हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यानी माका ट्रॉफी, जिसे रोलिंग ट्रॉफी भी बोला जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वर्ष भर में विश्वविद्यालय को यह दिया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर पड़ा है। यह पुरस्कार भी हर वर्ष 29 अगस्त खेल दिवस के दिन राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को, ठीक है। और इसकी स्थापना 1956-57 में किया गया। पुरस्कार राशि जो है, पहले इसमें 10 लाख दिया जाता था, बट अब 2019 से, यानी पिछले वर्ष से, इसमें 15 लाख कर दिया गया है। एक ट्रॉफी प्रमाण पत्र के साथ 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि इसमें दिया जाता है। इसमें प्रथम स्थान आने वाले विश्वविद्यालय को पहले 10 लाख दिया जाता था, अब 15 लाख दिया जाता है। द्वितीय स्थान वाले को 5 लाख पहले दिया जाता था, अब 7.5 लाख दिया जाता है। तृतीय स्थान वाले को पहले 3 लाख दिया जाता था, अब 4.5 लाख दिया जाता है, ठीक है। प्रथम विजेता बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पाने वाला प्रथम विजेता कौन है, सबसे पहले किसको दिया गया, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दिया गया, ठीक है, मुंबई। टोटल अवार्ड अभी तक कितने अवार्ड दिए जा चुके हैं माका ट्रॉफी के, तो 64 अवार्ड, ठीक है, 64 अवार्ड कुल अभी तक में दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें से सभी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें से यह पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था माका ट्रॉफी की, 1956-57 में। पुरस्कार राशि जो है, पहले 10 लाख था, अब 15 लाख हो गया है, ठीक है। प्रथम विजेता कौन था, कौन यूनिवर्सिटी था, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और अभी तक 2020 तक में टोटल अवार्ड कितने दिए जा चुके हैं, तो 64 अवार्ड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, 1956-57 से लेकर 2020 तक में कुल 64 अवार्ड दिए गए हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा अवार्ड कौन सा यूनिवर्सिटी पाया है, यानी सबसे ज़्यादा बार विजेता कौन है, इसको हम देखेंगे। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है, अभी तक में 3 बार उसको अवार्ड मिल चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 14 बार, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को 22 बार, यानी सबसे ज़्यादा अभी तक पाने वाले अवार्ड कौन है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, जो कुरुक्षेत्र में है, उसको अभी तक में केवल 1 अवार्ड मिला है। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को अभी तक में 15 अवार्ड मिल चुका है। और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो है, उसको 9 बार इस ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कि अभी तक में सबसे ज़्यादा बार, यानी सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया जा चुका है, तो वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ठीक है, 22 बार। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, नहीं, उसके बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी 15 बार, फिर तीसरे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी 14 बार, ठीक है। यहाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि अभी तक में माका ट्रॉफी में सबसे अधिक बार पुरस्कार किस विश्वविद्यालय को दिया गया है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है, 2018-19 में माका ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को दिया गया, यानी विनर कौन रहा, तो प्रथम स्थान पर, यानी ओवरऑल विनर कौन रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है। और द्वितीय स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, फर्स्ट रनर अप था, ठीक है। और थर्ड पर रहा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, थर्ड रनर ऑफ, ठीक है। और नेक्स्ट है, 2020 के माका ट्रॉफी विजेता कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल विनर है, ठीक है। तो 2018-19 और 2020 दोनों में पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कि 2020 के माका ट्रॉफी विजेता कौन यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का माका ट्रॉफी।
तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आगे आने वाले वीडियो में मैं चैप्टर वाइज फिजिकल एजुकेशन की सभी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप देती रहूँगी और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हैं उन सब के बारे में भी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।